नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके नाइट्रोबेंजीन देते हैं। लेट्स सी हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस। फर्स्ट स्टेप में HNO3 H2SO4 से ये प्रोटॉन एब्सट्रैक्ट करेगा, HSO4 नेगेटिव आयन बनेगा और एक दूसरा आयन बनेगा। ये आयन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में जनरेट होगा जो आगे बेंजीन से रिएक्ट करेगा। बना हुआ वाटर मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा और HSO4 का दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, दूसरा आयन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ओवरऑल रिएक्शन क्या है, दो सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव टू HSO4 नेगेटिव और एक नाइट्रोनियम आयन जनरेट करते हैं। स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और वी लेंथ कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो सेकंड स्टेप में बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे और फिर इस नाइट्रोजन को दे दिए जाएंगे, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलके एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। स्टेप थर्ड, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बेंजीन एरोमेटिक थे बट जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं है, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी वापस लेने के लिए इस हाइड्रोजन CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस लेता है और ये प्रोटॉन इस HSO4 नेगेटिव के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है जिससे एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है।